स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया सीओ महाराष्ट्र नॉर्थ जोन और अन्य संगठनों ने असम के दारंग जिले में पुलिस द्वारा दो मुसलमानों की हत्या के खिलाफ संविधान चौक नागपुर में विरोध प्रदर्शन किया। सीओ ने मुसलमानों को प्रताड़ित करने वाले असम पुलिस कर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की मांग की। वही दो मुसलमानों का कत्लेआम और एक मृत शव की विटंबना करना फासीवादी हिंदुत्व राज्य के क्रूर और सांप्रदायिक चेहरे। एसआईओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सलमान अहमद ने अपने बयान में कहा कि इस तरह से मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न असम में लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने आरोप लगाया कि असम में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से उसने अल्पसंख्यक प्रभावित इलाकों से हजारों लोगों को बेदखल करना शुरू कर दिया है। दरंग जिले में 900 विस्थापित परिवारों को भोजन आश्रय और कानूनी सहायता की तत्काल आवश्यकता है। इसके बजाय राज्य ने उन पर नकेल कसी जिसमें दो लोग मारे गए और कई घायल हो गए। एसआईओ ने मांग की है कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि इस तरह के अत्याचारों में शामिल अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को दंडित किया जाए और उन्हें न्याय के दायरे में लाया जाए। संगठन को उम्मीद है कि न्यायिक जांच की रिपोर्ट जल्द से जल्द सार्वजनिक की जाएगी। इसने दोनों पीड़ितों के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए और गंभीर रूप से घायलों के लिए 50 लाख रुपए की भी मांग की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसाम के अंदर पिछले 2-3 दिनों के अंदर जो कुछ भी हादसा हुए हैं, जो लोगों को बेघर कर दिया गया है, हम स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से इसकी सख्त मजम्मत करते हैं, इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये चीज इंसानियत के खिलाफ है, इंसानी हकूक के भी खिलाफ है और संविधान ने, हमारे आईन ने, दस्तूर ने जो कुछ भी हुकूक यहाँ के शहरियों को मुहैया कराए हैं उन सब चीज़ों के खिलाफ है। ये चीज़ संविधान के भी खिलाफ है। हम इसकी सख्त निंदा करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। इस मौके से हमारी हुकूमत से 4 डिमांड्स हैं। पहली हमारी डिमांड ये है कि जो लोग बेघर कर दिए गए हैं उन सभी को वहाँ पर फौरन घर मुहैया किया जाए, उनको रहने के लिए, खाने पीने के लिए चीज़ें मुहैया कराई जाए, उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाए। दूसरी हमारी डिमांड ये है कि जिन लोगों का जो कुछ भी नुकसान हुआ है और खास तौर से जिन दो लोगों के मरने की वहां से खबर आई है, उन सभी लोगों को कंपनसेशन दिया जाए, उनकी भरपाई की जाए, उनके नुकसान की भरपाई की जाए। तीसरी हमारी डिमांड यह है कि पुलिस कर्मचारियों के जरिए से जो कुछ भी वहां पर ज्यादतियां हुई है, मासूम लोगों के ऊपर जो कुछ भी उन्होंने जुल्म किया है, उन पुलिस कर्मचारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। अगर उनको सस्पेंड करने की नौबत आए तो उनको सस्पेंड भी किया जाना चाहिए। और चौथी और आखिरी हमारी डिमांड यह है कि पुलिस के अलावा जिन लोगों ने वहां पर गुंडागर्दी की है, लोगों को सताया है, उनके साथ में मारपीट की है, उन सभी लोगों को फौरन हिरासत में लिया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए।